तो गाइस इस वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि गाइस इस पॉइंट को यूज कैसे करें और गाइस ये टोकन किस चीज़ में मिलता है। आज मैं आपको फुली इन्फॉर्मेशन दूंगा गाइस इस वीडियो में कि आपको गाइस कैसे इस टोकन को यूज़ करना है और कैसे गाइस आपको इसके पैसे अपने बैंक अकाउंट में भेजने हैं। तो उसके लिए गाइस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि गाइस मैं शुरू से लेकर बताऊँगा आज इसकी आईडी बनाने से लेकर और फुल केवाईसी कैसे करें। गाइस देखो ये एशियन पेंट का कूपन है, ये देखो कुछ इस तरह का कूपन है एशियन पेंट का, और गाइस ये 400 रुपये का कूपन है। इसको आप चाहो तो गाइस इसको दुकान पर जाकर कैश कर लो, या फिर आप इसे स्कैन करके भी आप पैसे अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ये 20 किलो का गाइस कूपन है फेविकोल का, जो एशियन पेंट गाइस फेविकोल आता है उसका कूपन है ये कोई पेंट का कूपन नहीं है। लेकिन गाइस पेंट में भी सेम ऐसे कूपन निकलता है, बट जो पट्टी आती है इसकी, क्या नाम है, एशियन पेंट की जो गाइस बॉल पुट्टी आती है उसमें भी गाइस सेम ऐसे पॉइंट मिलते हैं। और जो एशियन पेंट की बाल्टी आती है उसमें गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें मिलता है क्यूआर कोड, उसमें मिलता है क्यूआर कोड बाल्टी पे, उसमें गाइस पॉइंट अलग मिलते हैं, तो वो दुकान पे कैश नहीं होते हैं। ये वाले कूपन दुकान पे जाकर कैश भी हो जाएंगे। अगर आपके पास कैश का ऑप्शन नहीं है, आप दुकान पर नहीं जाना चाहते, तो आप सिंपली इस कूपन को अपने मोबाइल से भी आप इसे रिडीम कर पाओगे। गाइस इसको रिडीम कैसे करते हैं और इसका कौन सा ऐप आता है मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको इस कूपन को कैसे यूज करना है और कैसे इसमें आईडी बनानी है। तो गाइस चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा ऐप मिलेगा, कौन किस ऐप में आपको इसे ये पॉइंट स्कैन करनी है और गाइस उसको कैसे रिडीम करनी है। तो गाइस चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाई देता हूँ वीडियो को जा करके की स्क्रीन पर। और गाइस यहाँ से आपको सर्च करना है मास्टर स्ट्रोक ऐप। देखिए गाइस मैं देखता हूँ मास्टर, गाइस देखिए क्या चुका है मास्टर स्ट्रोक ऐप, ये गाइस एशियन पेंट का ऐप है। आपको क्या करना है गाइस इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और गाइस डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आपको कर देना है ओपन पर क्लिक। गाइस जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करोगे, अभी देखना ये ऐप ओपन हो रहा है। गाइस ऐप ओपन होने के बाद में यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, लिख कह रहा है एंटर बीपी और मोबाइल नंबर, तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है अपना। गाइस मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल दिया है, आपको गाइस करना है कंटिन्यू पर क्लिक। तो गाइस यहाँ देखिए क्या रहा है बीपी नंबर नोट, अब देखिए गाइस यहाँ लिख क्या रहा है प्लीज़ एंटर योर फुल नेम। आपको करना क्या है अपना जो का नाम है वो आपको सिंपली इस मोबाइल में अपने बॉक्स में इस नाम को डाल देना है अपने नाम को। तो गाइस देखिए मैंने अपने यहाँ से नाम डाल दिया अपना जो मेरा नाम था। अब गाइस यहाँ से एक ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर पर, आपको सिंपली ओटीपी को इसमें डाल देना है बॉक्स में। गाइस ओटीपी डालने के बाद में एक पासवर्ड मांगता है ये, आपको सिंपली पासवर्ड डाल के आपको ऐप ये चालू हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए गाइस आपका ऐप जो है कुछ इस तरह से चालू हो जाएगा। इसमें गाइस अभी फुल केवाईसी नहीं है, इसलिए कुछ ऑप्शन कम मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको फुल केवाईसी कैसे करनी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आपको गाइस करना क्या है आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक से जरूर कर देना है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो, अगर अच्छी नहीं लगे तो लाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे आपको समझ आए तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस देखिए यहाँ से आपको मिलता है एक ऑप्शन पॉइंट स्कैन करने का, यहाँ देखिए लिख कह रहा है पॉइंट स्कैन। आप इस टोकन को जो पॉइंट ये टोकन दिखा दे रहा है आपको ये वाला, आपको ये स्कैन करना होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है इस टोकन को यहाँ दिखाना होगा, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है स्कैन, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने स्कैन काय में करा था और इसको रिडीम कैसे करना है। तो देखिए मैं इस पर करता हूँ, यहाँ देखिए देखा लिख क्या यार दिस बार कोड हैज़ बिन ऑलरेडी स्कैन, आईडी नंबर लिख क्या रहा है गाइस। तो ये कूपन पहले ऑलरेडी स्कैन हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गाइस इसके बैलेंस कहाँ पर आता है और आपको कैसे इस पॉइंट को रिडीम करना है। तो गाइस देखिए यहाँ क्या सिंपली लिख क्या है टोकन्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है टोकन्स वाले ऑप्शन पर। और गाइस यहाँ देखिए लिख क्या गया है मुनब्बर, मतलब जो जो इसकी आईडी का नाम है वो गाइस यहाँ पर नाम लिख के आ गया देखिए। और यहाँ दिखा रहा है कितने आपका बैलेंस है, करंट बैलेंस जो पॉइंट स्कैन कर रखे हैं वो 300 रुपये हमने स्कैन कर रखे हैं अभी इस टाइम जो बैलेंस है। वैसे तो टोटली 1280 पॉइंट हमने स्कैन किए थे, लेकिन कुछ इसमें पॉइंट हमने 980 रुपये इसमें रिडीम कर लिए हैं। ये देखिए 980 लिख कर रहा है माई रिडीम, माई स्कैन लिख कर रहा है 1280 रुपये,
रिडीम कर मतलब स्कैन करे थे और 980 रुपये इसमें रिडीम कर लिए। अब गाइस रिडीम करने के लिए आपको देखिए लिख कर आया रिडीम नाउ, यहाँ लिख कर आया रिडीम नाउ। आप जैसे ही गाइस इस पर क्लिक करोगे यहाँ से आपके ये मोबाइल नंबर दिखा देगा आपका कौन सा मोबाइल नंबर पेटीएम वाला है। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी फुल केवाईसी नहीं है तब भी आप ये वाले पॉइंट स्कैन इसमें कर पाओगे और रिडीम भी कर पाओगे। लेकिन गाइस उसके लिए आपका जो पेटीएम अकाउंट है, जो आपका पेटीएम वॉलेट चालू होना चाहिए, आपके पेटीएम में फुल केवाईसी होनी चाहिए गाइस। जैसे कि होता है ना फुल केवाईसी होती है पेटीएम में, वॉलेट चालू होना चाहिए पेटीएम का, तभी गाइस वो बैलेंस आपके पेटीएम में आता है जो उसका बैलेंस है एशियन पेंट का। अगर गाइस आपकी फुल केवाईसी नहीं है तो उसके लिए आपको मास्टर स्टोक ऐप की फुल केवाईसी करानी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए करा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ से आपको अपने पॉइंट जो है वो डायरेक्ट बैंक में भेजने पड़ेंगे। अगर आपकी हाफ के वाई सी है इसमें पेंट की तो आप सिंपली करना होगा आपको इस पे क्लिक, ये देखिए लिखा रहा है, ये जो लिखा रहा है पेटीएम। अगर आपकी हाफ के वाई सी है तो आपको सिंपली करना होगा इस पे क्लिक, और आपकी फुल के वाई सी है तो आप इस पे क्लिक करो। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप जितना चाहो इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र कराओ, चाहे 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार 10 हज़ार। लेकिन गाइस आपकी अगर हाफ के मतलब पेटीएम की फुल के वाई सी है और एशियन पेंट की हाफ के वाई सी है तो यहाँ सर आपको 1250 रुपये भी आपको एक महीने में एक बार मिलेंगे रिडीम करने के लिए। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको, वो रिडीम करोगे इस पर क्लिक करोगे तो आपके 300 पॉइंट आपके बैंक अकाउंट पहुँच जाएंगे, आपके पेटीएम में आ जाएंगे, सॉरी आपके पेटीएम में गाइस ये बैलेंस आ जाएगा 300 रुपये आपके पेटीएम में आ जाएंगे। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फुल केवाईसी कैसे करानी पड़ेगी और फुल केवाईसी गाइस होती कैसे और कैसी दिखती है। तो देखिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अभी, गाइस ये देखो ये फुल केवाईसी का है इंटरफेस है। यहाँ पर आपको फुल केवाईसी में इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जबकि गाइस हाफ केवाईसी में आपको कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिलता, मतलब कोई खास चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती, आपको सिर्फ टोकन्स वाला ऑप्शन ही देखने को मिलता है। लेकिन गाइस फुल केवाईसी में क्या होता है, स्कीम वाला ऑप्शन और भी बहुत बहुत सारे स्कीमें मतलब ऑप्शन आते हैं वो आपको फुल केवाईसी में देखने को मिलते हैं। अब गाइस आपको मैं दिखा दूँ, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट गाइस बाल्टी पर जो गाइस क्यूआर कोड आता है, मैं आपको दिखा दूँ कौन सा वाला क्यूआर कोड। गाइस ये देखो ये वाला जो क्यूआर कोड आता है बाल्टी वाला, जिस बाल्टी पर गाइस क्यूआर कोड होता है, आपको ये वाला जो कोड स्कैन होगा वो फुल के वाई सी आपकी इसमें पेंट की होगी तभी ये कोड स्कैन होगा, अदरवाइज ये वाला कोड स्कैन नहीं होगा। और गाइस आपकी हाफ के वाई सी है तो हाफ के वाई सी में क्या होगा, आपका ये वाला कूपन स्कैन हो जाएगा, ये वाला कूपन आपका स्कैन हो जाएगा हाफ के वाई सी में। लेकिन इसका जो गाइस बैलेंस आएगा इस कूपन का वो आपके पेटीएम में आएगा। और गाइस जो वो वाला कूपन है आपको दिखाया मैंने अभी ये वाला, इसका गाइस बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में आएगा डायरेक्ट, जो आपका बैंक अकाउंट इसमें लगेगा ना उसमें आएगा, और इसका गाइस बैलेंस आपका पेटीएम में आएगा। इसका बैलेंस भी बैंक अकाउंट में आ जाएगा लेकिन उसके लिए आपको मास्टर स्टोर ऐप की फुल केवाईसी करानी पड़ेगी, तभी गाइस वो वाला आपका बैलेंस अकाउंट में आएगा। तो अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो मैंने फुल केवाईसी गाइस कैसे कराई थी, मैं आपको वो भी बताऊंगा, और आपको फुल केवाईसी कैसे करानी है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये देखो पहले आपको मैं दिखा दूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको फुल केवाईसी में। तो देखिए गाइस पहले आपको मिलता है ये वाला कलर का, उसका मिलता है वारंटी का, फिर परमिशन है, फिर स्कीम है, फिर यहाँ से लिखा है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रिडीम हिस्ट्री। अब मैं आपको गाइस दिखा दूँ कि इसमें आपको कितने कितने पॉइंट मिलते हैं, जो गाइस ये वाले पॉइंट होते हैं ना बाल्टी वाले, ये जो पॉइंट हैं मैं आपको दिखा दूँ ये पॉइंट कहाँ दिखाई देते हैं। देखिए गाइस यहाँ कराया पॉइंट हिस्ट्री, आपको इसमें दिखा देगा आपने कितने कितने पॉइंट किस टाइम स्कैन किए हैं, कितना आपको बोनस मिला था, ये देखिए गाइस सब दिखा देगा आपको इसमें, कितने रिडीम कर रखे हैं और कितने आपको इसमें बोनस पॉइंट मिल चुका है, और गाइस कितने का आपका बैलेंस आपके अकाउंट में आ गया है। तो देखिए इसने कराया था रिडीम हिस्ट्री, ये देखिए लिखा है रिडीम हिस्ट्री। आप जैसे भी इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से दिखा देगा आपने कितने कितने पॉइंट इसमें रिडीम, देखिए आज मैंने कर रखा है रिडीम 1000 कर रखे हैं मैंने 4 बार, फिर 800, फिर 2000, फिर 5000। गाइस ये पैसे कर रखे हैं मैंने, पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होगा इनके, इनके कम से कम 1 लाख पॉइंट बैठेंगे, क्योंकि गाइस इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ 5000 पॉइंट 1000 रुपये के हैं। ये देखिए गाइस लिख क्या रहा है 5 पॉइंट 1 रुपये के हैं गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लिख क्या रहा है 5 पॉइंट इसमें 1000 रुपये के हैं। अगर आपके पास 5000 पॉइंट होंगे तभी गाइस इसमें रिडीम होंगे, नहीं तो गाइस ये रिडीम नहीं होते हैं। देखिए लिखा रहा है मैक्सिमम 500 पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट इसके रिडीम नहीं होते हैं, आपके पास 5000 पॉइंट होने बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइस देखिए मेरे पास 2646 पॉइंट हैं,
अभी, लेकिन अभी मैं पॉइंट रिडीम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 26 पॉइंट है। तो मैं आपको बता दिया मैंने गाइस कि आपको कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ स्कैन होते हैं। अब गाइस आपको देखो, तो ये वाला कूपन स्कैन करोगे तो देखा लिखा आएगा ऑलरेडी स्कैन है। ये देखिए गाइस, यहाँ से देखिए बैलेंस देख लीजिए, लिखा आ रहा है करंट बैलेंस मेरा 2000 है इस वाले अकाउंट में, और मैंने 32,000 के पॉइंट इसमें रिडीम कर रखे हैं। तो गाइस देखिए, अब देखो इसमें फुल केवाईसी है, उसमें हाफ केवाईसी थी। आपको गाइस फुल केवाईसी कैसे होगी, आपको करना क्या है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, इसमें तीन चीज़ें मिलती हैं, केवाईसी, पैन और डीबीडी। आपको ये तीनों गाइस इनेबल तभी होंगी जबकि आपकी गाइस फुल केवाईसी हो जाएगी। फुल केवाईसी गाइस होगी आपकी जहाँ से आप माल लेते हो, उस डीलर के पास आप जाओगे तो वो डीलर आपके डॉक्यूमेंट ले लेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड और आपकी बैंक की पासबुक की फ़ोटो, या फ़ोटो नहीं है तो गाइस आप कैंसिल चेकबुक भी आप उनको दे सकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे गाइस, आपके डॉक्यूमेंट लेकर कंपनी भेज देंगे। कंपनी के बंदे आते हैं दुकान पे, वो आपके डॉक्यूमेंट लेकर कंपनी भेज देंगे और कंपनी वाले गाइस आपके लोग केवाईसी कर देंगे। दूसरा गाइस तरीका ये है केवाईसी करने का कि आपके पास अगर दुकान पर नहीं जाना चाहते तो गाइस आपको करना क्या है, आप सिंपली ना अपने एरिया का TSO का नंबर ले लो गाइस, आप अपने एरिया का TSO का नंबर ले लो। उनसे क्या होगा गाइस कि आप ना अपने KYC आप घर बैठे करा पाओगे। उनसे बोल देना भाई मैं काम करता हूँ, लेकिन गाइस करेगा आपकी KYC TSO ही या फिर दुकान वाला, अदरवाइज़ KYC नहीं होती है। आपको KYC कराने के लिए आपको दुकान जाना होगा या फिर आपको TSO का नंबर मिल जाए जो आपका एरिया का TSO है एशियन पेंट का, आप सिंपली उनसे कॉन्टैक्ट कर लो तो गाइस वो आपके लोग KYC कर देंगे। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि इस कूपन को कैसे यूज़ करना है, फुली मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में आपको इस कूपन को कैसे यूज़ करते हैं। और गाइस मैंने आपको बता दिया एशियन पेंट में सब तरीके से कि आपको कैसे कैसे इसमें क्या करना है। तो गाइस वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। गाइस नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ मुझे कमेंट कर देना। और गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।